ठीक है। सबसे पहले तो अपने सफीर पाकिस्तान को जापान में वेलकम कहते हैं। मैं तो काफ़ी बार वेलकम कह चुका हूँ प्रोग्रामों में, तो कुछ अहबाब नए हैं तो सबकी तरफ से आपको वेलकम करते हैं। दूसरा हमारे हाजी लियाज साहब और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो कि माशाल्लाह बहुत ही एहसास ज़बरदस्त खाना बहुत मज़ा है, तो अल्लाह ताला इसमें बहुत बरकत डाले। तीसरा हमारे नासिर भाई की जो किताब की होना ही है, नासिर भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। नासिर भाई ने आपको पता है ये भी एक माशाल्लाह पॉजिटिव सहाफ़ी है, और जापान में ये सहाफत का करते हैं और पूरी दुनिया में इनका वो पढ़ा जाता है ना, ये वो सब अप्रिशिएट करते हैं। तो ये जो इन्होंने सफ़रनामे का सिलसिला जारी कर रखा है वो अच्छी बात है, जो लोग वहाँ नहीं जा सकते उनको मालूम मिल जाती है। जैसे सफीर साहब ने कहा है ये पढ़ते हैं, हम भी इनके सारे कॉलम सब खबरें और किताबें पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो नासिर भाई के लिए भी हमारी भरपूर दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दुगनी रात दुगनी तरक्की अपना करें। मेरे सारे बड़े नहायत ही मौजूद सारे भाई बैठे हुए हैं, मैं सफीर पाकिस्तान से कुछ मुलाकात करूँगा आप सब की तरफ से। नंबर एक तो देखो, जैसे आप भी कह रहे हैं सबको पता है कि हम गाड़ियों का काम करते हैं, तो पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ जारी बंद हुई हुई है ये आप हैं, हमारे को प्रेसिडेंट भी आप हैं तो वजीर आज़म भी आप हैं, आप ये देखें कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ से कोई ऐसा आप कहेंगे तो हम डेलीगेशन लेकर किसी को मिलना है वो भी मिल जाएंगे। ये हमें बड़ी प्रॉब्लम है, तो सारी दुनिया में हम गाड़ियों का काम कर रहे हैं और अपने मुल्क में गाड़ियाँ नहीं। दूसरा अभी जो इनको जापान को लेबर चाहिए, हमारे यहाँ देखो जो कहते हैं 12-14 हज़ार लोग हैं, आपकी भी ख्वाहिश है हमारी भी ख्वाहिश है कि यहाँ पाकिस्तान कम्युनिटी बढ़े, तो इसके बारे में भी मेरा ख्याल है कि आपसे बेहतर कोई भी काम कर सकता है और रहनुमाई कर सकता है। इम्तियाज़ साहब मेरे हर चौथी मरतबा हम देख रहे हैं इनको आए हैं यहाँ, और हर दिल अजीज शख्सियत हैं और हर जगह जैसे रमज़ान भाई हम हर वो प्रोग्राम में इकट्ठे होते हैं काम करते हैं, और ये भी अपने इसके अलावा रफाई कामों में काम करते हैं। मैं याद हानी कराऊँ इनको कि जब इन्होंने ये संधाई गए नूर मोहम्मद जादमानी साहब इन्वेस्टिगर साहब थे और हमारा कैंप था उधर, मैं और मेरी टीम ये मेरे सईद भाई थे मतलब जुनेद थे हम उधर थे, तो हमने उनको एक हफ्ता खाना प्रोवाइड वहाँ किया और हम वो जो उनको वो अपना गद्दों के ऊपर लेते होते थे, सफीर साहब को पता है कि हमने उनको गद्दे और कंबल वगैरह वहाँ मुहैया किए थे, और मैंने जो उस दिन हमारा ट्रक गया था इनके जाते हुए तो मैंने पहला डब्बा इनको और सफीर पाकिस्तान को बुलाया था वहाँ सुनामी में। तो यहाँ लोगों में बहुत जज्बा काम करने का सही था, आप यहाँ हैं आप माशाल्लाह कम्यूनिटी की हर दिल शख्सियत हैं और सबके दोस्त हैं, आप सबसे माशाल्लाह बड़ी मुहब्बत से मिलते हैं जुलते हैं, और एक रिक्वेस्ट है कि जब कोई पाकिस्तान से कोई आता है कोई बड़ा मेहमान आता है जैसे प्रेसिडेंट अली साहब आया उन्होंने हम सबको बुलाया अगर हम गए तो कम अज़ कम 5-10 मिनट एक मौका देना चाहिए कि कम्यूनिटी है उनसे मिलने, क्योंकि वो ऐसे वो फिर गए तो हमें तो वो बड़ी परेशानी हुई। तो सब लोगों ने इतराज़ आपके रखा हुआ है कि सफीर साहब ने ऐसे नहीं मिलने दिया, क्योंकि आपको कुछ शायद व्यक्त नाम कहता हो हमें कहते हैं। एक और बड़ा इशू है, जब हम पाकिस्तान अब जाते हैं ना भी तो हमारे मोबाइल बंद हो जाते हैं, एयरपोर्ट पर मोबाइल बंद हो जाते हैं, तो चलो जो अपना यूज़ करने वाला है वो तो चलता रहना चाहिए। ये सारे इशू सर आपने उठाने हैं और करना है, और आखिर में ये एक दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ जैसे अब कम्युनिटी है बहुत बड़ी कम्युनिटी है और हम अल्हम्दुलिल्लाह सब कारोबारी लोग हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ आपके होते हुए एक पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर बन जाए, हम बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे, बड़ी जगह हो जहाँ हमारे शादी ब्याह गमी खुशी के नामी दूसरे प्रोग्राम
वहाँ हुआ करें, जो हमारे मेहमान आए उनको भी हम वहाँ, ये हम इंशाल्लाह ताला आपके शाना शाना खड़े होंगे और ये एक ऐसा काम करके कि आने वाली नस्लें भी ये मुसलमानों की और पाकिस्तानियों की याद रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका।